अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक का इंदौर में भाजपा द्वारा विरोध किया गया। इस दौरान नेताओं ने दीपिका और फिल्म के पोस्टर में आग भी लगाई और जमकर नारेबाजी की। हिंदुत्व से लेंगे आजादी, वह भारत तेरे टुकड़े होंगे, जैसे नारे लगाने वाले कन्हैया कुमार के साथ हाल ही में दीपिका पादुकोण जेएनयू पहुंची थी। इससे नाराज भाजपा आज दीपिका की फिल्म छपाक का विरोध करने पहुंचे। भाजपा अजा मोर्चा के अध्यक्ष राजेश शिरोडकर के नेतृत्व में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। वहां से वे टॉकीज पहुंचे, चूंकि गेट बंद थे, जिसके चलते नेताओं ने दीपिका के खिलाफ नारेबाजी कर फिल्म का विरोध किया। बाद में दीपिका का पुतला और फिल्म का पोस्टर जलाया गया। प्रदर्शन के दौरान शिरोडकर के साथ महामंत्री संदीप भौरजार, उपाध्यक्ष संतोष सिंगारे, राजा चौहान सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रदर्शन करने की खबर लगते ही भंवर कुआं व जूनी इंदौर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन देरी से तब तक सारे कार्यकर्ता वहां से जा चुके थे। इस मामले में शिरोडकर का कहना है कि जेएनयू में लगातार देश विरोधी नारे बुलंद हुए हैं। सबसे पहला सीएए का विरोध भी वहीं से शुरू हुआ है। जो भी देश हित में फैसले होते हैं, यहां पर विरोध होता है। भारत के टुकड़े होने जैसे नारे लगाने के आरोपित कन्हैया कुमार के साथ दीपिका पहुँच कर ऐसे लोगों की हौसला अफजाई कर रही है। अभी कुछ दिनों पूर्व दीपिका पादुकोण जेएनयू के छात्रों का समर्थन करने गई थी। ये वही जेएनयू के छात्र हैं जिन्होंने देश के प्रति, देश के विरोध में नारे लगाए, देश को टुकड़े टुकड़े करने की मांग करते हैं। वहाँ पर माँ भवानी को गलत गलत बताते हैं और महिषासुर की पूजा करते हैं। तो ऐसे जो देशद्रोही और देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों का साथ देने वाली फिल्म नायिका दीपिका पादुकोण, जो कि चंद पैसों के लिए अपनी पब्लिक सिटी, झूठी पब्लिक सिटी पाने के लिए जेएनयू छात्रों के बीच में पहुंची और उनका समर्थन किया। हमने आज यहाँ पर दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक लगने वाली है, उसी के विरोध में आज उसके पोस्टर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश सरकार के कंगली सरकार है, उनने अपने कार्यकर्ताओं को फिल्म दिखाने के लिए टैक्स फ्री किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो जेएनयू का विरोध करने वाले हैं, जो समाज, वो कभी मूवी देखने नहीं जाएगा। उन्होंने कल से ही, जब से जेएनयू में गई दीपिका पादुकोण, उसका पुरजोर विरोध किया है।